नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या मुंबई में पेट्रोल 80 रुपए प्रति लीटर होने वाला है? मंगलवार को भी मुंबई में पेट्रोल की कीमत में 7 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को 79 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, अब मंगलवार को 79 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर। 1 अगस्त को मुंबई में पेट्रोल 74 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर था, सवा महीने के भीतर 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो गई है। अब किसी अर्थशास्त्री को ध्यान ही नहीं आ रहा है कि पेट्रोल के बढ़ते दाम पर कुछ लिखा जाए। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी को अधिकतम 10 लाख की सीमा से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया है। यह प्राइवेट, स्वायत्त और सरकारी कंपनियों और संस्थाओं पर लागू होगा। सरकार इसके लिए संसद में बिल लाएगी और डीएबी 1% बढ़ गया है। अब आते हैं असली कहानी पर। 1 सितंबर से राजस्थान के सीकर में किसानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। यहां से बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर का रास्ता जाता है, जो इस आंदोलन के कारण बंद हो गया है, बंद हो चुका था। सीकर से यह आंदोलन शुरू हुआ, यह आंदोलन अब राजस्थान के 14 जिलों में फैल गया है। सीकर में रोज सभाएं हो रही हैं, रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। 10 सितंबर को जिले के प्रभारी मंत्री से सीकर सर्किट हाउस में बातचीत भी हुई, मगर असफल रही। उसके बाद किसानों ने चक्का जाम करने का फैसला किया। जिलाधिकारियों के दफ्तरों को घेरने की बात हुई, जो 11 सितंबर तक चला। 11 दिन के आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई है। समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। प्याज और मूंगफली में काफी नुकसान हो रहा था। 1 किलो प्याज की लागत 5 से 10 रुपए है और बिक रही है 1 से 2 रुपए किलो। सीकर का प्याज सलाद के लिए मशहूर है, क्योंकि मीठा होता है और बड़ा होता है। 1 किलो मूंगफली की लागत 40 से 42 रुपए है, मगर मूंगफली बिक रही है 30 से 35 रुपए किलो। सीकर, झुंझुनू में कम बारिश के कारण संकट गहराया है। फसली बीमा का भी पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए तहसील को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। ये सब हमें किसानों ने फोन पर बताया है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में यह आंदोलन खड़ा हुआ है। सीकर से सीपीएम के 2 पूर्व विधायक अमरा राम और प्रेमा राम इसे लीड कर रहे हैं, मगर पूरा शहर इसमें शामिल हो गया है। आंदोलन अहिंसक होने के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। दिन भर नारे लग रहे हैं और रात भर कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली हमेशा की तरह देश से बेखबर है। 12 दिन से चल रहा यह आंदोलन अभी तक कहीं किसी की रोशनी में नहीं आया। अगर आप किसानों की मांगों की सूची देखेंगे तो पता चलेगा कि गौ हत्या, गौ सुरक्षा के नाम पर पशुओं की खरीद बिक्री के कारण पर रोक लगने के कारण किसान कितने परेशान हुए हैं। उनकी 11 सूत्री मांगों में से 4 मांगे पशुओं से संबंधित हैं। उनकी मांग है कि बछड़ों की बिक्री पर लगी रोक तुरंत हटाई जाए, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान तुरंत किया जाए, पशु व्यापारियों की संपूर्ण सुरक्षा की जाए, 2017 में पशुओं की बिक्री पर लगी पाबंदी का कानून वापस लिया जाए। किसानों का कहना है कि पशु व्यापारी जब आते थे गाँव में तो उनका शहर का भी काम कर देते थे, कुछ सामान ले आते थे और पैसा देते थे, मगर पीटे जाने के भय से पशु व्यापारियों ने आना बंद कर दिया है। गौरक्षा के नाम पर टीवी चैनलों में बहस जीतने वालों को पता भी नहीं होगा कि सीकर की जमीन पर मैच हार रहे हैं। किसने सोचा था कि किसान बछड़ों की बिक्री पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर 12 दिन तक शहर में चक्का जाम कर देंगे। किसानों की मांग सिर्फ संपूर्ण कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक लाभकारी मूल्य देने तक सीमित नहीं है। वो मांग करते हैं कि सीकर जिले के वाहनों को जिले में टोल से मुक्त किया जाए, 60 साल के किसानों को 5,000 का मासिक पेंशन मिले, सहकारी समिति से मिलने वाले कर्ज में कटौती बंद हो, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगे, खाद्य सुरक्षा व मनरेगा को मजबूती से लागू किया जाए। सोमवार को जब सीकर पूरी तरह से बंद हुआ तो सब चौंक गए कि किसानों के आंदोलन के लिए शहर और कस्बा कैसे बंद हो गया। जीएसटी की जटिल प्रक्रियाओं से तंग आकर और किसानों की दशा के कारण अपने बाजार को ढहते और मंद पड़ते देख शहर के नाना प्रकार के व्यापारिक संगठन इस आंदोलन में शामिल हो गए। ऑटो चालक यूनियन, प्राइवेट टैक्सी यूनियन, एम्बुलेंस वाले, आरा मशीन वाले, इन सब के यूनियनों ने रैली निकाली या आंदोलन को समर्थन दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसानों के समर्थन में सीकर जिले के डीजे म्यूजिक वालों ने अपनी कई सौ गाड़ियों के साथ, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये डीजे म्यूजिक वाले हैं, कई सौ गाड़ियों के साथ इन्होंने रैली निकाली है। वहां पर डीजे वाले गाना बजा देने ऐसा गाना बजा दिया कि किसान आंदोलन का इतिहास ही बदलता नजर आ रहा है। हमने सीकर के वाटर सप्लायर यूनियन के नेता से बात की,
इनका कहना है कि इन्होंने भी पानी सप्लाई के टेम्पो के साथ रैली निकाली और किसानों के समर्थन में मार्केट में पानी की सप्लाई बंद कर दी है, किसानों को दे रहे हैं। सीकर में कम से कम पानी बेचने के जो 100 यूनिट हैं, वहां के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, वो भी किसान आंदोलन का समर्थन दे रहे हैं क्योंकि उन्हें फीस किसानों से नहीं मिल रही है। खाद्य व्यापार संघ अनाज मंडी सीकर के अध्यक्ष नवरंग खीचर साहब और सदस्य रामनिवास मंडीवाल जी से हमने फोन पर बात की। इनकी बातें सुनकर मैं खुद चौंक गया जब इन्होंने कहा कि किसानों की परेशानी व्यापारियों की परेशानी है। किसान के पास पैसा आएगा तो मार्केट में पैसा आएगा। 25 पैसे के चॉकलेट पर एमआरपी लिखी होती है, गेहूं की बोरी पर एमआरपी क्यों नहीं? ये व्यापारी भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। मुझे ये नहीं मालूम था कि ऑटो चालक यूनियन भी स्वामीनाथन कमेटी की बात करेंगे। हमने किसानों के समर्थन में मंडी बंद कर दी है, रामनिवास जी ने कहा। किसानों के पास पैसा ना होने के कारण हमारा व्यापार ठप पड़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 50 अनाज व्यापारियों में से 11 अनाज व्यापारी ही मौजूद हैं, बाकियों ने अपना काम बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी। रामनिवास जी ने कहा कि नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी की जटिल प्रक्रिया ने हमारी व्यापार कमर तोड़ दी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2007 से 2010 तक सीकर मंडी से जौ की 70 से 150 गाड़ियां रोज निकलती थी, मगर इस बार पूरे सीजन में 150 गाड़ियां भी नहीं निकली जो एक दिन में निकलती थी। ये इसलिए हुआ कि किसान कर्ज में डूब गए, बिजली मिल नहीं रही और महंगी हो गई, खेती से पलायन करने लगे। सीकर जिला के सभी प्रकार के व्यापार के संगठनों ने आंदोलन का समर्थन किया है। लगता है कि सीकर में कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का विस्फोट हो गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर का आंदोलन पुलिस की गोली के कारण सुर्खियों में तो आ गया, मगर मामला जल्दी शांत हो गया। क्या सीकर का आंदोलन स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत का दुगना दाम हासिल कर लेगा, जिसका बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2014 के घोषणा पत्र में वादा किया था? दिल्ली तक भले ही इसकी खबर ना आ रही हो, मगर क्या आपको पता है कि उड़ीसा में नव निर्माण किसान संगठन ने जो सफलता हासिल की है, उसके बारे में दिल्ली क्यों चुप है? अक्षय कुमार इसके नेता हैं। इन्होंने बताया कि उनका आंदोलन भी अहिंसक था, इसलिए कई महीनों के आंदोलन के बाद जो हासिल किया वो हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक कहीं हासिल नहीं हुआ। क्या आपको मालूम है कि उड़ीसा विधानसभा में इस साल मार्च के महीने में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर धान की खरीद मूल्य 2930 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है? इस प्रस्ताव को दिल्ली भेजा गया, ये अखबारों में छपा है मार्च के महीने में, मगर दिल्ली इसकी बात नहीं करती। देश की अब पहली विधानसभा है जिसने सर्वसम्मति से धान की खरीद मूल्य को लेकर इतना बड़ा फैसला किया। इस वक्त धान की खरीद मूल्य जो है 1470 रुपए प्रति क्विंटल है, उड़ीसा विधानसभा ने इसे दुगना कर 2930 रुपए प्रति क्विंटल किया। हैरानी की बात है कि उड़ीसा विधानसभा के भीतर बीजेडी, विपक्षी दल कांग्रेस, बीजेपी सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, बल्कि कांग्रेस ने तो 2930 से भी ज्यादा की मांग की। फिर इन्हीं दलों के नेता दिल्ली में इसकी मांग क्यों नहीं दोहराते हैं? अखबारों की रिपोर्ट बताती है कि सदन की समिति प्रधानमंत्री से मिलकर प्रस्ताव सौंपने वाली थी, आगे की जानकारी नहीं है। उड़ीसा के कृषि मंत्री प्रदीप महारथी हैं, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि ऋण मोचन योजना के तहत 1 लाख तक के लोन माफी की बात की थी। इस योजना से 87 लाख किसानों के फायदे का दावा किया गया। इसके बजट बताया गया 36,000 करोड़ रुपए, मगर कुछ किसान ऐसे भी निकले जिन्हें इस कर्ज माफी में 3 रुपए 90 पैसे, 1 रुपए 1.5 रुपए की माफी हुई है। और इतने सदमे में है किसान, 4,000 से अधिक ऐसे किसान हैं जिनकी माफी 0 से 100 रुपए के बीच हुई है। और 90 पैसे और 1.5 और 2 रुपए का सर्टिफिकेट लेने के लिए ये गांव से जिला मुख्यालय जा रहे हैं, कितना पैसा खर्च हो जाता होगा आप समझिए, मुंह लटक के चेहरा लटका के आते होंगे। मगर तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। यूपी सरकार के आंकड़े के अनुसार 0 से 100 रुपए तक जिनका माफ हुआ उन किसानों की संख्या 4,814 है, 100 से 500 रुपए जिनके माफ हुए वो 6,895 किसान है, 500 से 1,000 जिनके माफ हुए वो 5,553 किसान है, 1,000 से 10,000 रुपए जिनके माफ हुए वो 41,690 किसान है। ये हिंदू मुस्लिम टॉपिक में नहीं आता है। 10,000 रुपए 11,27,890 किसान, 10,000 से ज्यादा 11,86,842 किसान। कुल मिलाकर जोड़ा तो 58,952 किसान ऐसे हैं जिनकी कर्ज माफी की राशि 0 से 10,000 रुपए तक है, मगर 23 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी कर्ज माफी की राशि 10,000 से या 10,000 या उससे अधिक है।
तो दोनों तरह की तस्वीर है। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे हरपाल सिंह जी से, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के नेता हैं। आप सबको मैं पहली बार देख रहा हूं, तो इसलिए दूर से प्रणाम। जयपुर से किसान नेता गुरुचरण सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरुचरण सिंह जी, आप बता सकते हैं कि ये आंदोलन, आज मंगलवार को आपकी बैठक भी थी सरकार के मंत्रियों के साथ, उसका क्या नतीजा निकला? और हम समझना चाहते हैं कि ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे हुआ, क्यों व्यापारियों के ऑटो यूनियन, आरा मशीन यूनियन वालों का इस आंदोलन में क्या काम था जो आपके समर्थन में उतरे? जी, असल में बात यह है कि किसानों का हकीकत में जो दर्द था, पिछले बार राजस्थान में पहली दफा ऐसा हुआ कि मिनिमम सपोर्ट रेज के ऊपर भी सरकार ने तिलहन का एक दाना भी नहीं खरीदा। परिणाम यह निकला कि तिलहन पूरी की पूरी, भले सरसों में रूप में हो, सोयाबीन हो या मूंगफली हो, 300 से लेकर 700 रुपए पर क्विंटल के रूप में सपोर्ट प्राइस से कम रेट पे किसान का बिका, जिससे किसान आर्थिक तंगी में, पूरी तरह आर्थिक तंगी में फंस गया। और वो आर्थिक जो क्राइसिस था, आर्थिक जो तंगी है, वो किसान को जो बैंकों के अंदर उसका कर्जा है वो दे नहीं पा रहा, और बैंक जगह जगह कुर्कियों के नोटिस जारी कर रहे हैं उनके लिए। ऐसी स्थिति में किसान के सामने सवाए इसके कि वो पूरी तरह आंदोलन में आए, कोई दूसरा चारा नहीं। और क्योंकि किसान आर्थिक तंगी में है, और आर्थिक तंगी की वजह से मार्केट पूरे का पूरा, और खास करके नोटबंदी के बाद से मार्केट के अंदर से किसान टूट गया, जिससे सारे बाजार फेल हो रहे हैं। जब सारे बाजार फेल हो रहे हैं तो पूरे कारोबार के ऊपर उसका भयंकर असर पड़ रहा है, क्योंकि सारे कारोबार के ऊपर असर पड़ रहा है। इसलिए हर वर्ग, हर संस्था, हर लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये सारे लोग समझ रहे हैं कि इसका वजह किसान की मदहाली है। पर आपको लगता है कि आपको लगता है कि आप स्वामीनाथन आयोग के मसले को आपके साथ साथ किसानों के जो व्यापारिक संगठन है वो भी समझ रहे हैं? आरा मशीन, हम चाहेंगे कि आपके आंदोलन की तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखाएं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इतनी जागरूकता लोगों में कैसे आई कि मुझे एक व्यापारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि उन्हें स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से दुगना दाम मिले। अब जागरूकता तो एक तो ये है कि जब श्रीमान मोदी जी ने पूरे चुनाव से पहले जो घोषणा की थी, उस घोषणा के बाद से लोगों के अंदर बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी, और वो अपेक्षाएं जब पूरी होती नजर नहीं आई, और एक लगातार लोगों को बात में समझ आई कि एक के बाद एक, जैसे भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, और उसके बाद गेहूं और धान पे मिलने वाला बोनस का मुद्दा, जो किसानों के ऊपर कुठाराघात होते ही चले गए। तो जब सर पे चोट लगती है तो निस्संदेह आदमी के मन के अंदर वो चीजें भावना में थी, ये तो उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। और बिल्कुल उसी दौर के अंदर देश के सबसे धनाढ़ लोगों को उनके टैक्सों में छूट, उनके कर्ज के अंदर माफी, उनका पैसा बट्टे खाते में डालना, तो किसान इस बात को समझ रहा है कि जब सबसे अमीर लोगों को ऐसी छूटें दी जा सकती हैं, तो किसान को ये छूटें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? गुरचरण जी, मैं एक सवाल में ये बढ़ोतरी एक सवाल जानना चाहता हूं आपसे कि 12 दिन तक दिल्ली में बहुत कुछ वेबसाइट में जरूर इसकी खबरें हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसी इसकी कोई चर्चा नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बिना, कई बार कहा जाता है कि आंदोलन हुआ है इसलिए क्योंकि मीडिया ने सपोर्ट किया, बगैर मीडिया के, स्थानीय मीडिया में जरूर आपके बारे में लिखा गया होगा, लेकिन बगैर ये टीवी वाला जिसमें ज्यादातर हिंदू मुस्लिम टॉपिक होता है, इसके बगैर आप लोगों ने वहां पर आंदोलन कैसे इतना बड़ा हुआ? किसान सभा की मीटिंग के अंदर ये फैसला हो गया था। 16 जून को हमने फर्स्ट टाइम पूरे प्रदर्शन किए थे सारे जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर, और जिला हेडक्वार्टरों के प्रदर्शन के ऊपर एक महीने की तैयारी के बाद 17 जुलाई को हमने किसान कर्फ्यू लगाया गांवों में, जो हर गांव के अंदर किसानों ने बड़े एक्टिव रूप से, महिलाओं ने, मर्दों ने, सबने उसमें बहुत बेहतरीन भूमिका अदा की, और गांवों के अंदर किसी भी सरकारी अमले को ना तो घुसने दिया और ना गांव से अंदर से कोई माल बाजार के अंदर आया। और वो जो उसके बाद हमने 9 तारीख को, हमारा जो प्रोग्राम था 9 अगस्त को, उसके अंदर हमने गिरफ्तारियों का एक प्रोग्राम बनाया, और उन गिरफ्तारियों के प्रोग्राम के बाद पूरे इस इलाके के अंदर, जहां खास करके 14-15 जिलों के अंदर किसान सभा का अच्छा बहुत जबरदस्त असर है, और किसान सभा के कार्यकर्ता लगभग गांव-गांव के अंदर है, और उनके माध्यम से जो 9 तारीख की गिरफ्तारियों के बाद जब हमने ये 1 तारीख का प्रोग्राम बनाया, तब तक हमारी ये पूरी तैयारी हो चुकी थी। और सरकार क्योंकि बात नहीं कर रही थी,
और किसान अपनी ताकत का एहसास कर रहे थे। सो उस कोई अपने आप स्वेच्छपुर तो ये था नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर जो मंदसौर का था वो स्वेच्छपुर था, बिना नेतृत्व के था, इसलिए सरकार की थोड़ी सी झपटी के बाद या कुछ कुर्बानियों के बाद वो आंदोलन ठंडा हो गया।